आप देखिए, जो भी होलसेल में माल ट्रकों में जा रहा है, कंटेनर में जा रहा है, उसे जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक रात में या एक साल में सारा माल बेच दोगे। आपका पकड़ लो 100% का माल बिक रहा है, चलो 90% होलसेल वाला ले गए, मल्टीनेशनल कंपनी आपको नहीं छोड़े। 10% का भी रिटेल होलसेल लेते हो, रिटेल होलसेल मैंने समझ रहे हो पर्सनल लेवल पे मार्केट। मैं कई बार सोचा हूँ कि मैं यहाँ का जितने सारे डीलर्स हैं या जो लोकल जो बड़े बड़े हाउस हैं उनको मैं कॉन्टैक्ट करूँ और उनको माल ला के दूँ, ठीक है। तो ये जो मार्केट को स्ट्रेटजी को खड़ा करना, बेचना, देखिए बेचना अपने में एक बहुत बड़ा कला है। और जितने बड़े बड़े कंपनी, मारवाड़ी बिजनेसमैन, जानते हो सबसे ज़्यादा सम्मान किसको देते हैं? जो बेचने जानता है, ठीक है। और से बेचना, सेलिंग करने का एक स्ट्रेटजी होता है, एक कला होता है, एक प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग होता है। और जब तक आप अपना टीम नहीं बनाते हो, देखो मैं आपको नहीं कह रहा हूँ पैसा इन्वेस्ट करो, खर्चा करो, लेकिन टीम बिल्डिंग तो करना पड़ेगा। और उसमें भी नॉलेजियस ऊपर आदमी को ऊपर रखना, लो नॉलेज को नीचे और लो नॉलेज को नीचे रखना और उनको फिल्टर करना। देखो सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, समझ लो, एकदम ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूँ। आप और हमको आदमी चाहिए, और आपको आदमी चाहिए तो क्या करोगे? पेपर में दे दिए या लोगों को पकड़े, उनको फिर समझाने लगे कि देखो हमारा ऐसा ऐसा काम है, ये बेचना है, ये बनाना है, ये पैकिंग करना है, ये फैक्ट्री है, ये प्रोडक्ट है, ये आउटपुट है, ये दुकान है। वो गधा 2-4 दिन किया, ठग दिया, नहीं हुआ, क्योंकि जनरल आदमी था। तो लेकिन आपके पास अगर एक सिस्टम हो जहाँ पर फिल्टर, मतलब अभी कोई भी आदमी आपको चाहिए तो आप उसको भेजिए, वो मामा का, भाई का, बहन का, तोता का, दादी का, नाना का बेटा आ गया, कामचोर, ठग, आलसी, मतलब एकदम एक नकारा आदमी आ गया। लेकिन जब सेकंड स्टेज में आप अगर ट्रेनिंग सिर्फ कैंप्स करते हो, आपके पास पकड़ लो 600-1000 वर्कर्स हैं, उनके बच्चे बेटा बेटी हैं, उसमें से उनको आप ट्रेनिंग सिस्टम में डालते हो, आप टेस्ट करते हो इनमें से कौन अच्छा है और उसमें से कौन दिमाग। देखिए आपके पास ताकत नहीं है तो ताकत वाला आदमी हायर करो, आपके पास दिमाग नहीं है तो दिमाग वाला आदमी हायर करो। आज पैसा है, अच्छा टाइम है, करिए, कल बुरा टाइम आ जाएगा, डाउन ड्रॉप हो जाएगा, उस समय ड्रॉप डाउन हो जाओगे, उस समय ढूंढने से भी नहीं आएंगे। अच्छे टाइम का एनकेशमेंट करना, नहीं वो कोई नहीं, ना 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 ना, यही तो प्रॉब्लम है ना, ये ना ना ना, यही तो बहाना है, कौन सुने नहीं सुने अलग बात। देखो मैं क्या बोला, मैं बोला ऐसा करो 10 किलो माल खरीदो, हम बेच के देखते हैं, ठीक है। मैं बोला 10 किलो से शुरू करते हैं, फिर मैं देखा कि नहीं, ये इस लेवल पे अगर ये रेट मिलेगा और मार्केट में ये रेट है तो हम कॉम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन आपका तो प्रोडक्शन हब है, आपके पास फैक्ट्री है, मेरे को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसपोर्ट में पहुँचने में ज़्यादा रेट लग रहा है, वो जो मार्जिन है और यहाँ का लोकल मार्केट का रेट में मैं कॉम्पीट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन है और आपके पास मार्जिन है तो आप छोटे लेवल पे, आप देखो आप बोलोगे फैक्ट्री का मालिक नहीं चाहता है, नहीं चाहने दो, आप चाहते हो तो ऐसे है ना, आपका टारगेट होना है कि मैं कितना का माल बेच दूँ, मेरा बेचने का कैपेसिटी कितना है, मेरे कितने पब्लिक रिलेशन हैं, मेरे सोशल मीडिया में कितने स्ट्रॉन्गिटी है, क्या बोलते हो? अगर आपको मैं उस समय बता के आया कि सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, यूट्यूब, इतना को डील करने के लिए एक आदमी का पेमेंट मेरे को दे दीजिए, एक आदमी का, मैं एक आदमी आपके नाम पर हायर करूँगा, यहाँ से बैठे के आप वहाँ से खाली वीडियो फोटो भेजना है, मैं लिंक दे दूँगा, आपके नाम पर रहेगा, यहाँ बैठे बैठे अगर इंटरनेशनल मार्केट नहीं कर दिया ना, आपका फैक्ट्री में एक माल नहीं रहेगा बचा हुआ, ठीक है। सोशल मीडिया आज का इंसान का ताकत है, और आप तो क्या कह रहे हो कि वो नहीं देते, ये नहीं देता, वो नहीं मानता, वो अपने घर में रखो उसको। आपके पास माल है, आपके पास वेल पैकिंग है, आपके पास ट्रांसपोर्ट है, आपके पास मैन पावर है, अभी क्या चाहिए? मार्केट। वो दुनिया खत्म हो गया जहां पर लोग राजा करते थे, आज तो बड़े बड़े बनियों का मार्केट सोशल मीडिया खा गया, अमेजन और फ्लिपकार्ट और क्या क्या सब। तो आपके पास तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट है, आप नहीं करोगे दोस्त किसका है? मैं बोल, देखिए आप मेरे को कैसे जाने? सोशल मीडिया से तो जाने, नहीं होता तो
आगे तो उन्हीं का जोर था ना, जो लोग नेशनल लेवल पे बड़े बड़े एक्सक्लोजर थे, लंबा लंबा मूंछ, बड़ा बड़ा चोटी, एकदम बड़े बड़े रुद्राक्ष पहन के राजा बन के घूम रहे थे। आज तो टुच्चे ज्योतिष भी यूट्यूब खोल के मास्टर बन रहा है, जिसके पास क्वालिटी है, कैपेसिटी है, नॉलेज है, साधना है, मार्केट उसके हाथ में है। ऐसे ही आप आज जिसके पास इसके पीछे टाइम देना है, मतलब सोशल मीडिया में मास्टरी रखा है, उसको जरूरी नहीं अमेजन में माल बेचे, जरूरी नहीं फ्लिपकार्ट में माल बेचे, अपना मार्केट, अपना हब, अपना स्टोर बना के बेच सकते हैं। और लोगों को अगर एक बार आपके बढ़िया प्रोडक्ट का चस्का मिल गया, देखिए मैं एक बार आप चाय पी लिया बस मैं तो उधर रिंद हो गया, मैं तो एडिक्टेड हो गया। मेरे को तो आज यहाँ का चाय पीता हूँ तो मेरे को लगता है कि यार तसु या कुछ गंदा चीज़ कुछ खा रहा हूँ, कीड़े मकोड़े जैसे खा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आदमी को एक्चुअली पता नहीं है, आपका माल को बढ़िया लेके वो गंदा लोग गंदा मिल करके लोगों को पिला के गंदा आदत करा दिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मार्केटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट, लेकिन इसमें क्या है, आदमी ढूंढना पड़ेगा। और सोशल स्ट्रेटेजी आपके पास बढ़िया है तो हर मार्केट में आप सक्सेस हो सकते हो। तो वो आदमी को एक हायर करिए, एक, और ये जो एक होगा उसको फिल्टर करके करना है। और आपके पास सोचिए इतना सारा लेबर्स, मैन पावर, वर्कर्स हैं, और उनके बच्चे लोगों को अगर आप सोशल सर्विस करते हो तो उनको अगर ज्ञान देते हो, ट्रेनिंग देते हो, तो शनि बाबा, तो शनि महादशा का तो एक ही नियम है कि जो लोग मतलब कमा खा नहीं पा रहे, लोअर तबके को आगे उठाओ, ऊपर बढ़ाओ, शनि बाबा माफ, ठीक है। और इतना स्ट्रेटेजी समझ गए, मैं नहीं कह रहा हूँ एक रात में सब कर दो, थोड़ा थोड़ा करो। आप नहीं कर सकते हो तो मैं तो तैयार हूँ आपके साथ काम करने के लिए। 3 महीना में भी एक टूर मेरा हो जाए वहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम को देखने के लिए। देखिए राउरकेला स्टील प्लांट में भी एक टाइम में ऐसे ही अवस्था था, फिर जर्मन से लोग आए, फिर वहाँ पर बना TNDC, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। जिस इंडस्ट्री का ट्रेनिंग TNDC नहीं होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर नहीं होता है, वो इंडस्ट्री में ऐसे ही प्रॉब्लम होते रहता है। तो अपना ट्रेनिंग सिस्टम भी बनाइए। चलो बोलोगे मालिक नहीं चाहता है, कंपनी का लॉर्ड नहीं चाहता है, मैं बोलता हूँ मेरा कोई सुनते नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अपने लेवल पर क्या हो सकता है करिए, अपने भाग का करिए। पकड़ लो एक साल में, सोचो कि अभी टोटल आपका प्रोडक्शन कितना टन का है, 50 टन है या 50 लाख केजी में, चलो ठीक है जो भी। तो उसमें से अगर आप 50 टन भी आपको राइट रेट में मिल जाए, 100 टन भी सही राइट रेट में मिल जाए, बाकी जो लोग होलसेल में ले रहे हैं दो, धीरे धीरे फिर वो मार्केट पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। अंग्रेज लोग रातों रात आके हमें नहीं ले लिए, उनको 200 साल का टाइम पीरियड लगा। तो आपके पास अभी ले दे के तो 30 से 35 साल टाइम है, आपको एक आखिरी गेम तो शनि बाबा खेलने के लिए दे रहे हैं, ठीक है ना। और इस 30 साल में अगर कर्म नहीं करोगे तो फिर फल कहाँ से मिलेगा, आप बस रोते रहोगे मेरा सुनते नहीं, मेरा कोई करता नहीं है। आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट क्यों हो, आप अपने लेवल पे काम करोगे, चुपके से करोगे। एक बात बताओ, हस्बैंड लोग पॉकेट में पैसा लेके आते हैं, बीवी लोग चुरा के रखती हैं कि नहीं रखती हैं, तो क्या पाप करती है, वो पाप नहीं करती हैं। अरे वो तो नियम है, एक अच्छी गृहिणी का काम है कि पति का चुराए, अब वो नहीं चुराएगी तो उसका घर कैसे चलेगा, बस हैं। आप बोलोगे हमेशा खाली बोलोगे कि मेरा सनी चल रहा है, अरे साढ़े साथी है, मेरा पति सुनता नहीं है, मेरे को अलाउ नहीं करते हैं, इतना बोल देने से तो काम नहीं बनेगा ना, उसका रास्ता भी निकालना है कि नहीं। तो सिंह के साथ मकर का कभी पटरी नहीं होता है, मानता हूँ, ना ना ना, आप समझो पहले, सिंह राशि है, मैं मकर राशि हूँ, कभी पटरी नहीं खाता है, पटरी नहीं खाता है तो शादी कैसे हो गया। ये तो कोई ना कोई एक तो समझदार होगा ना, दोनों तो मूर्ख नहीं होंगे। ग्रह नक्षत्र को अपने जगह में रखो, अपना समझ भी तो बोल के कुछ है। मेरा रिसर्च है कि सिंह राशि मकर राशि जिंदगी में कभी नहीं कभी भी एक दूसरे के साथ कनेक्शन नहीं होते। ईस्ट इज ईस्ट, वेस्ट इज वेस्ट, शनि माने पश्चिम दिशा, सिंह राशि माने पूर्व दिशा, वो कभी नहीं मिलते हैं।